बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। उसके लिए आपके पास इंग्रेडिएंट हैं? हाँ जी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं, ट्राई करें देखें कैसा बनता है। अच्छा जी, ये ऑल पर्पज़ फ्लावर है, ठीक है। ये हमने लिया है 1 कप, ओके। और मेजरमेंट के लिए हमने ये वाले स्पून यूज़ किए। ये वाला कप हमने लिया है 1 ऑल पर्पस फ्लावर लिया है। इसमें 2 पिंच मैंने सॉल्ट के पहले से ही ऐड कर दिए हैं। साथ ये में वाले मैंने 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून हमने यूज़ किया है बेकिंग पाउडर। टीस्पून ही यूज़ किया, टीस्पून टेबल स्पून यूज़ किया है। अच्छा, बेकिंग पाउडर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। टेबल स्पून यूज़ किया है। इसके अलावा हमने आइसिंग शुगर 1, यही वाला कप जो आपका मेयरिंग होगा ना फ्लावर के लिए, वही आपने शुगर के लिए यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास, हम क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते, इसलिए इसमें हमने अपनी क्वान्टिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग की है। ये 2 टेबल स्पून प्लस हाफ, ये 2.5 टेबल स्पून है हमारे कोको पास पाउडर। कोको और ये पाउडर। वाला हमने कोको पाउडर यूज़ किया है, ये मंगवाया हमने और ये इस्तेमाल किए। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास वनीला एसेंस, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। और अब ये वेट वेट में, हाँ जी, 2 टीस्पून, टू हाँ टी जी, स्पून हमने लिया है। वनीला ये एसेंस, 6 एग्री वॉक्स है हमारे पास। ये वाला वनीला एसेंस है, ये आप देख लें। अच्छा जी, इसके बाद 6 एग योक्स है ये हमारे पास, ओके, और ये एग एग वाइट वाइट्स है, हैं, और ये ये, एग वाइट है, अच्छा सॉरी, ये एग ये एग वाइट वाइट है, है, ओके इसको साइड पे कर लो। ओके और ये हमारे पास ऑयल है 5 टेबल स्पून। ओके जी, सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अच्छा, ये मेयरिंग स्पून्स हैं, ये भी दिखा दें। जिनसे हमने इसको मैयर किया है उसमें आपके पास, ये इसके अंदर, ये आपके पास टेबल स्पून है, और और ये ये आपके आपके पास पास होने टी जरूरी स्पून, हैं हाँ जी, बेकिंग और के ये लिए। बेकिंग के लिए तो आपको पता है, ये इसके बगैर तो आप चल ही नहीं ना सकते, ये आपके हाँ जी, हथियार हैं बेकिंग में। कहीं से भी क्वांटिटी ऊपर नीचे हुई, समझिए आपका केक या ठीक है जी, खराब। ठीक है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करने लगे। हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने मिक्स लगे। कर लेते हैं। सबसे पहले ये ये सारा, वाले ये देखें, ये साइज, डालें, बिस्मिल्लाह। ये डालिए। आपने बर्तन के अंदर कुछ भी नहीं लगा रहने देना, क्योंकि मेजरमेंट्स हमने एग्जैक्टली ली हैं, आइसिंग शुगर, ठीक है। इसके अलावा ये कोको कोको पाउडर, पाउडर, और इसको चलें हमने जी, कर लेना है मिक्स, स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेना है, हाँ जी, ठीक है। मैं कर लेती हूँ मिक्स। आप चलिए स्पैचुला लें यहाँ पे इस वाले ड्रॉ में, ये ये आप हम हमने मिक्स कर दें। मुझे स्पैचुला तो नहीं मिला, लेकिन ये स्पून मिल गया, मैंने इसी से काम चला लिया। चलें जी, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे अच्छे तरीके तरीके से। से, इस तरह वैसे आपने मिक्स, बीटर है ना, कहाँ है वो बीटर। चलें जी, ये हम जल्दी से इसको मिक्स कर लेते हैं। ऐसा मिक्स करना है कि आपने इसके बाद इसको जो आपके होमोजीनियस मिक्स करें इसको। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं इसकी, ठीक है। ठीक है, ये ना हो कि आप नीचे से देखें तो मैदा आपको नज़र आ रहा हो। अभी भी ये मुझे मिक्स हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ बस। अच्छा, मैं एग योक, हाँ जी, एग योक नहीं, एग वाइट डालेंगे हम, और इसको अच्छी तरह इसकी स्टिफ पीक्स बनानी है। अब देखें कैसी बनती है, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं। ये गया इसके अंदर, और जग ला फिट वो हो दे, गया। वो ये दे, ये तार, ये पका, ये मैं लगाऊं, हाथ आ गया, ला दे, चलो जी चलाएं, बिस्मिल्लाह। ये वाला थोड़ी थोड़ी करके अभी इसमें हम डालेंगे, दिखाएं सर इसकी हाँ कैसे है। जी, ये ले जी, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, और ये हम इसमें एग योक एंटर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी करनी है। हाँ सारी करने, क्या करेंगे, चलो जी अब ग्राइंड करेंगे।
एसेंस ऐड करें। चलें जी, वेयर इज वनीला एसेंस, ये गया जी वनीला एसेंस। सारे बैठे इंग्रीडियंट्स हो गए, सिर्फ ऑयल रहते हैं। चलें जी ऑयल ऐड करें, आहिस्ता आहिस्ता आधा करना पहले ऐड, ठीक है। चलें जी ऑयल ऐड हो रहा है, गुड। नेक्स्ट चलें मियामत के साथ क्यों दफ़्तर। अच्छा जी, ये देखिए अब हमने इसके अंदर और हाँ जी दिखाएं, कंसिस्टेंसी दिखाएं स्पून से, एक स्पून से ऐसे ना लगा के। हाँ कुछ इस तरह का होगा, फ्लफी सा दिखाइए। हाँ जी इस टाइप का हुआ हमारा, तो देखते हैं क्या बनता है इसका। चलिए हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। चल घी जो रह गया था बचा, ओके ठीक है, एक एक थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना। बेक करने के लिए प्री हीट पे लगा दिए हैं अपने, जो जिनमें हमने बेक करना है। एक मैंने ले लिया है नॉन स्टिक की कढ़ाई, ये हमारे पास पुरानी, इसको मैंने बेक मतलब प्री हीट पे लगा दिया, ठीक है। और एक हमारे पास प्रेशर कुकर है उस पे लगा दिया, ठीक है, इसको भी प्री हीट पे लगा दिया। साथ ही साथ मैंने अपने जो हैं सांचे जो मोल्ड हैं मेरे पास वो मैंने रेडी कर लिए हैं, उनके अंदर वो लगा के, एल्युमिनियम फॉयल मेरे पास बटर पेपर नहीं था, मैंने वो लगा के उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, और ये इस तरह करके मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब बस जैसे ही ये प्री हीट होता है मैं इसमें ये डालूंगी और इसको बेकिंग पे लगा लूँगी। प्री हीट हो गया इसके नीचे, क्योंकि ये नॉन स्टिक की है तो जली हुई स्मेल ना, इसमें हमने थोड़ा सा ना सॉल्ट इसके बॉटम में ना स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ये एक और मोल्ड है जो कि बिल्कुल पुराना है, इसलिए रख लेंगे, नॉन स्टिक का बर्तन जो होता है ना हीट को बहुत जल्दी वो कंडक्ट करता है, तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है इस वजह से। तो अब ये इसके ऊपर कर दिया, अब एक मोल्ड अपना उठाएंगे, और वो मोल्ड मैंने सेट किए हैं, इनमें ना आपने इतनी इतनी स्पेस छोड़ देनी क्योंकि इन्होंने राइज होना है, आपने फुल ऊपर तक नहीं इसको फिल करना। अच्छा एक हम मोल्ड कौन सा रखेंगे, स्टार वाला कोई भी रख दो क्योंकि ये राइज होता हुआ नजर आएगा। चल ये हम इसके अंदर रख देते हैं, ये हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। इसको आपने इवनली यू करके सेट कर लेना, पहले भी इसको कर लिया था इवन करके, मैंने इसके अंदर ये रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख दिया और नेक्स्ट हम दूसरे के अंदर रखते हैं, और प्रेशर में हमें नहीं जरूरत क्योंकि प्रेशर का पींदा मोटा है, इसमें हम बेस में कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। जब ये राइस होगा सॉल्ट स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा जी ये ले, इसका पैदा मोटा इसलिए हम इसमें नहीं कर रहे। आपने निकालना है और इसको, बल्कि निकालने के लिए आपने इसको पहले ठंडा करना है, ग्लव्स यूज कर लें, ग्लव्स यूज कर लें, और कोशिश करें कि इसको पहले थोड़ा सा आपने ठंडा कर लें, अगर ग्लव्स नहीं है तो, और फिर आप इसको निकालें। आप ये हम इसको लगा रहे हैं, बस इसको ब्रश से लगा दें आप। इसमें मैंने डबल का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप करना चाहते तो कर लें, लेकिन फिर उसमें ये है कि मैं इसके ऊपर अभी वेट दे दूँगी, इसको हम बंद कर देते हैं। और इसकी जो आपने जो है ना लाइट स्टोव की वो बिल्कुल नॉर्मल टू मीडियम रखनी है, ठीक है। ये देख लें आप अच्छे तरीके से, नॉर्मल टू मीडियम क्योंकि ये बिल्कुल उसके ऊपर है और ये मेरे ख्याल में इसके नीचे है नहीं, इसको कर लेते हैं नीचे ऑलरेडी हमने वो। हाँ इसकी आंच ज़्यादा रख सकते हैं, चलें इसको हम थोड़ा मतलब मीडियम पे भी रख लें तो भी ये आराम से होगा। अच्छा जी ये 40-45 मिनट्स लेंगे और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, और इसके ऊपर आपने कॉटन बर्ड आपने यहाँ पे एंटर कर देना ताकि हम इसके कोई भी जो है स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। ओके हमने सारे बर्तन समेट लिए,
क्योंकि हमारी अम्मी ने क्लास ले लेनी अगर हमने गंद मारा तो। नीचे तक आपने करके देखना, और अगर तो आपकी वेट होती है तो इसका मतलब ये अभी आपका केक जो है वो तैयार नहीं हुआ, ये हाफ डन है। ठीक है ओके, अब हम दूसरे वाला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है हाँ हो गया हो गया, लेकिन ना ये देखें ये देखें ये आहिस्ता हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना ये जो है ये बिल्कुल ही साइड पे लगाएं, साइड पे ये देखें, लेकिन सारी जो स्लो हीट पे था ना वो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं जरा, ये देखें ये हम केक आइसिंग तैयार करने लगे हैं, उसमें हमने ये व्हिपिंग पैक जो क्रीम होता है फुल ये यूज किया मैंने, और साथ में मैंने आइसिंग शुगर अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट मैंने शुगर ऐड कर दिया हाफ, ठीक है उसको डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना, अगर आपके पास वो है बीटर है तो उससे कर ले, नहीं तो इस तब तक ये विप हो जाएगी क्रीम, ठीक है ना। डेकोरेशन के लिए आइसिंग के लिए हम जो प्रिपेयर करने लगे हैं चॉकलेट सिरप, उसके लिए मैंने हाफ कप ही वाटर का यूज़ किया है, हाफ कप ही शुगर का लिया है, ठीक है और 1 टीस्पून ही हमने कोका पाउडर इसके अंदर ऐड करना है जब ये मेल्ट हो जाएगा। अच्छा मेल्ट होने पे ऐड करना, जब ये मेल्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से, जब मेल्ट होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। कैमरा गंदा है पीछे से, तो नीचे रखती है ये देखें, अब हम इसको चेक करने लगे हैं। इस तरह आपने स्टिक जहाँ पे आपने किया, ठीक है ये आपने अंदर किया और ये बिल्कुल ड्राई है, ये चेक कर लें सामने करने स्टिक, ये बिल्कुल ड्राई है यानी कि आपको वेट ये नहीं फील हो रही, तो अब आपने इसको हटा लेना चूल्हे के ऊपर से। चलें जी ये रेडी हो गया, अब दूसरा भी थोड़ी देर तक देखते हैं, उसको टाइम है। चलें देखिए नाज़रीन कैसा केक बना है, क़यामत होगी। अम्मी ये ध्यान से ध्यान से ध्यान से गरम है। अच्छा आराम आराम से, मैंने तो चिमटा रखे ना ऐसे करके आराम आराम से उतारा है, देखिए कितना स्पॉन्जी है, चेक करें आप, जरा भी नीचे से नहीं लगा। ये जो हमने स्क्वायर वाला बनाया था ये वो वाला स्टार वाला हमने दिखा दी, स्टार वाला भी नहीं दिखाया। अच्छा स्टार वाला नहीं, वो अनमोल्ड करके नहीं दिखाया वैसे। चलें मैं स्टार वाला भी आपको थोड़ा सा दिखाती हूं। जी तो अब हमने ये केक बना लिया है, ये इसकी फाइनल लुक है, ये हमने इसकी आइसिंग भी कर ली थी, आपको हमने बताया था कि हम व्हिपिंग क्रीम इस तरह बना रहे हैं वो हमने फ्रीज कर ली थी, उसके बाद उसको ब्लेंड कर लिया था, उसके बाद उसको पहले वो किया, फिर मैंने जो आपको चॉकलेट सिरप बनाना सिखाया था उससे ऊपर जैसे हम कॉफ़ी का टेक्सचर एक देते ना ऊपर सेम लाइक दैट उस तरह की हमने गार्निश किया, ऊपर वेफर्स लगाए हैं, चॉकलेट लगाई है, और जी जितने ईयर्स जितने मंथ का है आपका बेबी आप खुद उतनी आपने कैंडल लगा लेनी है, ये इस तरह और ये एक सेकंड वाला स्टार वाला। जी तो आपने हमें ज़रूर बताना है और अपनी फीडबैक से हमें आगाह करना है कि आपको ये कैसा लगा और हमारी एफर्ट के बारे में भी बताना। और ये जी लास्ट हमारी एक चीज़ रह गई थी, ये हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है, ये रेनबो कलर्स कैंडीज हैं, ये इस तरह आप कर लें गार्निश तो जितनी भी आप चाहें कर सकते हैं, बच्चों को तो आपको पता है मल्टी कलर्स बहुत पसंद है, और ये आपकी अपनी होती है मर्जी कि किस तरह आपने इसको करना है। जी तो अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।